उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में नया नेता चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज त्रिवेंद्र रावत इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देंगे रावत। 3 बजे मीडिया से बात भी करेंगे त्रिवेंद्र। और मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी विधायक, एक बार उनको सुन लेते हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। उसके अनुसार ही अगली कार्रवाई होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी विस्तृत जानकारी संभवतः, मैंने कहा इन तमाम सारे सवालों के, माननीय मुख्यमंत्री जी राजभवन जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इन तमाम सारी चीजों की विस्तृत जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगभग 3 बजे आप लोगों को देंगे। हम आपके आभारी हैं कि आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी आगमन के समय से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, रास्ते से लेकर के और बहुत धैर्य और उसके साथ आप लोग परिश्रम कर रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ार भी कर रहे हैं और सब प्रकार का सहयोग मीडिया को भी प्राप्त है। हम आपके भी आभारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया इसके लिए, धन्यवाद। मुन्ना सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। मुन्ना सिंह चौहान त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाते हैं और पूरी जानकारी दे रहे थे और ये भी उन्होंने कहा कि 3 बजे मुख्यमंत्री पूरी बात खुद जब मीडिया से बात करेंगे तो रखेंगे। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और हर अपडेट विकास आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? कल बैठक होनी है, तब तो नामों पर चर्चा होगी, लगभग तस्वीर साफ, इस्तीफा हो जाएगा 4 बजे तक? जी हाँ बिल्कुल, देखिए 4 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा दे देंगे लेकिन उससे पहले 3 बजे जब वो प्रेस से मुखातिब होंगे तो उस समय वो बाकायदा इस्तीफे का ऐलान करेंगे और इस्तीफे का ऐलान करने के बाद वे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के पास जाएंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी होंगे और वे वहाँ पर राज्यपाल को जाकर अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद राज्यपाल बेबी रानी उनको अगली व्यवस्था होने तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और कार्यभार बनाए रखने के लिए गुजारिश करेंगे। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है देहरादून में। इस बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। जो जाहिर तौर पर नाम सामने आ रहे हैं वो हम लगातार सुबह से बता रहे हैं, उसमें अनिल बलूनी का नाम है, धन सिंह रावत का नाम है, अजय भट्ट का नाम है। इन तीनों में से किसी एक को जी। विकास आप रहे हमारे साथ, नीरज भी देहरादून से जुड़ गए ताजा अपडेट के साथ। नीरज, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मुन्ना सिंह चौहान जो विधायक भी हैं और मुख्य स्पोक्स पर्सन हैं वो दोबारा निकल कर सामने आए और उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फ़ोन पर बात हुई है, कई दौर की बात हुई। मैं मुन्ना सिंह चौहान जी से बात भी करने की कोशिश करता हूँ। मुन्ना जी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, क्या क्या बेसिकली बात हुई जेपी नड्डा जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में? हमारे आला कमान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कंसल्टेशन होता है, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मैं मीडिया में उतनी ही चीज़ों को शेयर कर सकता हूं, उतना ही कमेंट कर सकता हूं, जितना बाकायदा हमारे यहां जो प्रक्रिया है मीडिया को, प्रवक्ताओं को या मीडिया इंचार्ज को जितनी चीज़ें शेयर करने की अनुमति हो। 3 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे की घोषणा करेंगे? अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, काल्पनिक सवालों का उत्तर देने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन मैंने बहुत विनम्रतापूर्वक मीडिया के सभी मित्रों को इस बात की सूचना दी है कि 3-3:30 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मीडिया के सामने आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। अगला कदम क्या होगा ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी से अभी भी तमाम जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारा जो आला कमान है, उनसे कंसल्टेशन का प्रोसेस चल रहा है और अभी थोड़ी देर पहले भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से लंबी चर्चा उनकी हुई है। जी बिल्कुल, आदर्श देखिए, मुन्ना सिंह चौहान भी बता रहे हैं बड़ी खबर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है, लंबी बात हुई है उनके और मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे ये 3 बजे वो जाहिर सी बात है। सियासी हलचल लगातार तेज है नीरज, आप नजर बनाकर रखिए। और उस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं, देखिए उत्तराखंड में सियासी हलचल बहुत तेज है। ताजा खबर यह है कि जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की फोन पर बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत आज इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से मिलने के बाद रावत इस्तीफा देंगे और शाम 4 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके पहले करीब 3 बजे वो मीडिया से भी मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, सियासी हलचल बहुत तेज है उत्तराखंड में और त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं। एबीपी न्यूज़
आपको रखे आगे।